बनाने जा रहे हैं लिट्टी चोखा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिट्टी की स्टफिंग रेडी करेंगे। तो हमें चाहिए उसके लिए सत्तू, हमने यहाँ पे इतना सत्तू ले लिया है। और अब हम इसमें अदरक और लहसुन कट, ये हमारा चॉप किया हुआ है तो हम ये डाल रहे हैं। तो सत्तू में हमने अदरक और लहसुन डाल दिया है, अब हम इसमें धनिया डाल रहे हैं। धनिया के बाद हमने अचार का मसाला यूज़ किया है, आप चाहें तो नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ स्वाद अनुसार नमक यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ 2 चम्मच तेल यूज़ कर रहे हैं। अब हम यहाँ सब कुछ डाल के मिक्स कर ले रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। आप ध्यान में रखें कि हमें लिट्टी में स्टफिंग हम जिस तरीके से रेडी करेंगे वैसे ही करनी है। ज़्यादा ये गीली नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। तो हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि हमें आटे में क्या क्या डालना है। तो लिट्टी बनाने के लिए हमने अपनी स्टफिंग रेडी कर ली है और अब हम लिट्टी का आटा लगा रहे हैं। इसके लिए हमने 4 कप आटा लिया है और हमने 1 चम्मच यहाँ बेकिंग पाउडर लिया है और 1 चम्मच हमने लिया है अजवाइन। आटा रेडी करने के लिए हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। तो हमने हमारा आटा रेडी कर लिया है, अब हम हमारी लिट्टियाँ तैयार करेंगे। तो लिट्टी हम यहाँ हमारी रेडी कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने लोई बना ली है। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे अपनी। इसको हम आराम से इस तरीके से बनाएंगे। तो हमने लिट्टी बनाने के लिए यहाँ पे लोई ले ली है, अब हम इस पर अपनी स्टफिंग डालेंगे और अब हम इसको अपनी लिट्टी का शेप देंगे। तो हमारी लिट्टी तैयार है, अब हम इसी तरीके से अपनी सारी लिट्टियाँ तैयार करेंगे। हमने यहाँ पे सारी लिट्टियाँ तैयार कर ली हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया है लिट्टी का कुकर, तो अब हम गैस चालू करेंगे और तेज़ आंच करके हम इसे ऐसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो गैस हमने लिट्टी को के कुकर को पहले तेज़ आँच पर रखा था, अब हम इसे लो फ्लेम पर रखेंगे और अब हम इस पर लिट्टियाँ रखेंगे। तो लिट्टी के कुकर में हमने सारी लिट्टियाँ रख ली हैं, अब हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट के बाद चेक करेंगे हमारी लिट्टी कैसी हुई है। तो जब तक हमारी लिट्टी हो रही है तब तक हम अपना चोखा रेडी कर लेंगे। और चोखा बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे बैंगन, टमाटर, आलू और ये है लहसुन और मिर्ची और नमक हमने पीस लिया है और ये है अदरक किसा हुआ और धनिया। तो हमने सारे आलू यहाँ अच्छी तरीके से डाल दिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। और अब हम इसमें मिर्ची और नमक कूटा हुआ डालेंगे, आप पीस भी सकते हैं।
और अब हम धनिया डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो हमने हमारी सारी लिट्टियों को पलट लिया है। अब हम इसे वापस 10 मिनट के लिए ढक देंगे। तो अभी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम हमारी लिट्टी को चेक कर लेते हैं। तो हमारी लिट्टी अब हो चुकी है। अब हम हमारी लिट्टी को निकाल लेंगे। तो हमारी लिट्टी पक चुकी है। अब हम घी में लिट्टी को डाल रहे हैं। तो हमारी लिट्टी हम घी लगा रहे हैं इसमें। हम लिट्टियों को घी में डुबा के डालेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी लिट्टी अपने आप ही पक के फूट गई है बहुत अच्छी तरीके से। और हमारा यहाँ चोखा भी रेडी है। हमने चोखे के साथ में ही नहीं डाला प्याज क्योंकि उसकी स्मेल पूरी फैल जाती है, और इसलिए हमने जब आप सर्व करें तो ही प्याज डालें चोखे पर। और हमारा लिट्टी चोखा रेडी है। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।